हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंत सोनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एवीएस टेक अनंत सोनी में। तो जैसे कि अभी तक मैंने आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारी टिप्स दी हुई हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप ब्लॉग कैसे बना सकते हैं या ई कॉमर्स साइट कैसे बना सकते हैं। लेकिन किसी भी ई कॉमर्स साइट में या ब्लॉग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक की। आप ट्रैफिक कैसे लेके आएंगे? तो चूंकि आज हम बात कर रहे हैं ब्लॉगिंग के बारे में कि अगर आपका कोई ब्लॉग है या फिर आपकी सर्विसेज की कोई साइट है कि आप एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसी साइट्स में आप ट्रैफिक कैसे लेके आएंगे? और आपने अगर कोई ब्लॉग लिखा है, अच्छा खासा ब्लॉग तो आपने बना लिया है, लेकिन उसमें ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो यहां पे मैं आज आपको तीन साइट बताऊंगा जहां से आप अच्छा खासा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। और ये चीज मैं खुद फॉलो करता हूं, रिजल्ट्स भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब मैं अपने एनालिटिक्स में आपको रिजल्ट भी दिखा दिया करता हूं। यहां पे आप रिजल्ट्स देखेंगे तो यहां पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्वेरा से मेरा आता है, साथ में फेसबुक से आता है, यूट्यूब से आता है और गूगल सर्च से आता है। तो यहाँ पे कुछ इतना मेरा ट्रैफिक जो भी आ रहा है उसमें से कितना परसेंट कहां से आ रहा है यहाँ पे आपको शो हो रहा है। साथ में जो अभी मैंने न्यू स्ट्रेटजी मैंने खुद इंप्लीमेंट की है वो सारी चीजों के रिजल्ट भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले बस मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो फ्यूचर वीडियोस हैं या मैं उनके रिजल्ट्स आपको शो करूंगा या और कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना है तो उन सारे वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आप मेरा ब्लॉग भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको डेली मैं कुछ ना कुछ ऐसी नई चीजें पोस्ट करता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट आर्टिकल्स में, तो यहाँ पे अभी मैंने ब्लॉगर्स के लिए बहुत सारी ट्यूटोरियल पोस्ट की है, कैप्चा से रिलेटेड जॉब्स, कुछ अल्टीमेट कंटेंट यहाँ पे पोस्ट करता हूँ जिससे आपके लिए कुछ ना कुछ परसेंट वो हेल्पफुल जरूर रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्वेरा। क्वेरा में मैंने आपके लिए पहले भी एक वीडियो बनाया था, अगर आपने मेरा चैनल चेक किया होगा तो यहाँ पे मैंने क्वेरा का एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि क्वेरा से आप कैसे अच्छा ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, कैसे अच्छे सीपीसी कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, मैं उस वीडियो की आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं क्वेरा की। यहाँ पे मैं आपको क्वेरा की अपने स्टेट्स दिखा दिया करता हूँ कि मेरा ट्रैफिक कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मैंने आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, तकरीबन लास्ट 30 डेज में 2.97 यहाँ पे व्यूज हुए हैं। और यहाँ पे आपको दिखा दिया करता हूँ लास्ट कुछ दिनों से मैं ज्यादा एक्टिव हूँ तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 254 लोगों ने व्यूज किया, साथ में यहाँ पे 186, यहाँ पे 242, साथ में यहाँ पे 184, 167, ऐसे करके मैं ये मान के चलता हूं कि अगर ये 253 लोग आए हैं और इसमें मेरी लिंक है, क्योंकि मैं जब भी कोई चीज पोस्ट करता हूं उसमें मेरी कहीं ना कहीं एक लिंक मैं जरूर पोस्ट करता हूं मेरे साइट की। अगर आप इनमें से कोई भी आंसर्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेरी लिंक जरूर मिलेगी। तो मैं मान के चलता हूं कि 253 जो लोग एक दिन में आए हैं इसमें से कम 5 या 10 लोग मेरी साइट पे जरूर आए होंगे। तो यहां पे मैंने आपको एनालिटिक्स भी शो किया है कि यहां पे क्वेरा से मेरे पास लास्ट 30 डेज में 60 लोग आए हैं, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि कम से कम 2, 5, 10 जितने भी लोग हैं कम से कम क्वेरा से आपके में ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रोसेस पहले ही बता दिया है कि आपको जिस चीज से भी रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे आंसर्स प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि आप मेरे यहाँ पे आंसर्स चेक कर सकते हैं कि मैंने जिन जिन के भी आंसर दिए हैं या किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किए हैं आंसर, वो सारे यहाँ पे ये मेरे पास रिक्वेस्ट भी आती है कि आपको इन सब के आप जवाब दे सकते हैं। तो मैं इन सब के जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं जवाब जरूर दूंगा। तो आपको सिंपल सा करना क्या है कि आपको यहाँ पे होम पे जाके कुछ ऐसे क्वेश्चंस फाइंड करने हैं जो कि आपके टास्क से रिलेटेड है, जैसे कि अगर आपका ब्लॉग है एडसेंस से रिलेटेड तो आपको यहाँ पे सिंपल सा एडसेंस टाइप करना है और यहाँ पे जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस में तकरीबन 306 लोगों ने फॉलो कर रखा है और ये भी एक है तकरीबन 368 लोगों ने इसको फॉलो करके रखा हुआ है इस क्वेश्चंस को।
तो आपको सिंपल सा करना क्या है कि आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर यहां पे प्रोवाइड करना है। आपको देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी इसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप और भी देखेंगे तो मैंने ज्यादातर के यहां पे आंसर दिए हुए होंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने आंसर नहीं दिया हुआ है, जैसे कि यहां पे इन्होंने पूछा है हाउ डू आई मेक मनी विद गूगल एडसेंस। अब मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग में जाऊंगा, एडसेंस का जो भी आर्टिकल मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड है मैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा कंटेंट लिखूंगा, और वहां पे जो भी आर्टिकल में हेडिंग थी उन सारी हेडिंग्स को यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी एक बैक लिंक दे दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी कोई वो आर्टिकल पढ़ेगा या जो भी मेरा कंटेंट रहेगा वो पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद जो लिंक उसमें होगी वो वहां पे शो होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दिया करता हूँ जो भी मैंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि टॉप 10 बेस्ट गूगल एडसेंस अल्टरनेटिव 2018 की पोस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पोस्ट थी जो कि मैंने इसको पोस्ट किया था, और ये बहुत पुराना है, तकरीबन मैंने सितंबर 2018 का है ये। तो आपको भी इस टाइप से किसी ना किसी को, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने ब्लॉग के लिए, अगर आपका वीडियो है तो आप वीडियो में की भी लिंक दे सकते हैं, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की लिंक दे सकते हैं, एफिलिएट नेटवर्क है आप एफिलिएट नेटवर्क की लिंक दे सकते हैं। यहाँ पे आप एवरीथिंग कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक का कोई इशू नहीं है, किसी चीज का कोई इशू भी नहीं होता है यहाँ पे। तो एक साइट होगी क्वेरा, अगर आपने क्वेरा का मेरा वीडियो नहीं देखा है, अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप वीडियो जरूर देखिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसमें आपको रिप्लाई करूंगा। अब सेकेंड साइट जो आती है वो है मीडियम। मीडियम में आपको मैं दिखा दिया करता हूं, यहां पे मेरी स्टोरीज में मैंने तकरीबन 3 से 4 स्टोरीज यहां पे पब्लिश की हुई हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि 3 स्टोरीज मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं मैं, और साथ ही यहां पे आपको करना क्या है वो चीज मैं आपको यहां पे शो कर रहा हूं। आपको सबसे पहले तो मीडियम का अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाना कोई भी बड़ी चीज नहीं होती है, सिंपल सा आपको जाना कहां है medium.com पे। तो मैं यहां पे आपको न्यू ब्राउजर में ओपन करके शो कर दिया करता हूं कि आपको एक्चुअली करना क्या है। आपको जाना है medium.com में, तो ये मैं अभी medium.com में गया, और यहां पे आपको बिकम अ मेंबर पे क्लिक करना है। बिकम अ मेंबर पे क्लिक करने के बाद आप यहां पे साइन इन कर सकते हैं गूगल के थ्रू, जैसे आपकी जीमेल की आईडी है उसके थ्रू कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, और आपको मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप मेंबरशिप लो, आप सारा काम फ्री में कर सकते हो। जैसे कि आपको मैंने ये अकाउंट दिखाया, ये मेरा कोई भी पेड अकाउंट नहीं है। यहाँ पे आपको ये अपग्रेड का बटन शो हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि मेरा ये अकाउंट फ्री है। अब आपको जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आपने वेरीफाई कर दिया आपका ईमेल, देन आपको करना क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आप डायरेक्ट आप ब्लॉग यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि कंप्लीट न्यू ब्लॉग आप लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे न्यू ब्लॉग भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप ब्लॉग नहीं लिखना चाहते, आपका जो भी ब्लॉग है वो आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं, कि जैसे कि मेरा एक ही ब्लॉग है, मैंने इसको कॉपी लिंक एड्रेस किया, अब मैं चाहता हूं कि इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे ऐड करूं, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट अ स्टोरी पे क्लिक किया, यहाँ पे जो मेरा URL है वो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, अब मैंने इसको इंपोर्ट पे क्लिक किया। अभी आप देख सकते हैं कि वो चीज इंपोर्ट तो हो गई है, यहाँ पे आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं वो यहाँ पे इन्होंने बताए हैं, कि अगर आप कोई टेक्स्ट या फिर लिंक ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इमेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एंड देन आपको यहाँ पे पब्लिश करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है सी माई स्टोरी। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो जैसे कि मेरा यहाँ पे ये नेम आ रहा है, ये मैं यहाँ से डिलीट कर दिया करता हूँ, साथ में ये लास्ट अपडेट का यहाँ पे शो कर रहा है, ये मैं यहाँ से डिलीट कर दिया करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ यहाँ पे गैप शो हो रहा है, तो आपको सिंपल सा ये जो गैप यहाँ पे, शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मेरा एड पड़ा होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ये गैप्स शो हो रहे हैं, तो आपको इन गैप्स को रिमूव करना है, और आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है कि जो आपका है वही चीज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जो भी है मेरा, मैंने यहाँ से सारा इसको फॉर्मेटिंग किया, तो यहाँ पे हमारी फॉर्मेटिंग कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ओरिजिनली पब्लिश्ड एट, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल पब्लिशिंग कहाँ हुआ है उसकी बैक लिंक भी यहाँ पे होती है, तो आपके पास एक बैक लिंक भी जनरेट हो जाती है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आपको पूरा ये देख लेना है कि आपकी पूरी अच्छी तरीके से फॉर्मेटिंग हो गई है या नहीं हुई है। पूरी फॉर्मेटिंग करने के बाद आपको ये ऊपर बटन दिखाई दे रहा है रेडी टू पब्लिश, आपको इस पर क्लिक करना है।
फिर आपको यहाँ पे इमेज यहाँ पे चेंज करनी पड़ सकती है, जो भी आपके में इमेज है वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर दो इमेज है, तीन इमेज है, तो वो जो आपकी मेन यहाँ पे फीचर्ड इमेज होगी वो यहाँ पे आपको चेंज कर देनी है। तो जैसे अभी के लिए मैं यही यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया करता हूँ। अब यहाँ पे आपको कीवर्ड्स, जो भी आपका यहाँ पे ब्लॉग है उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स देने हैं। कीवर्ड्स कैसे देना है वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि पहला यहाँ पे SEO आ रहा है, तो SEO देखिए अपन ने सिलेक्ट किया। SEO में आप देख सकते हैं कि 238K यहाँ पे तकरीबन लोगों यहाँ पे रीडर्स हैं। और फिर यहाँ पे मैंने SEO और किया। अब यहाँ पे SEO सर्विस या SEO टिप्स आप कर सकते हैं, तो आप SEO टिप्स कीजिए। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे किया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी हम कर दिया करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2.3K यहाँ पे लोगों ने इसको किया है, तो हम इसको भी सिलेक्ट कर दिया करते हैं। और क्या है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं वेब ट्रैफिक। तो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड ही कीवर्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो इसमें 152 है। और कीवर्ड्स आपको थोड़े से अच्छे शो करना है। अभी मैं रिसर्चिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी हमको सिर्फ 5 ही हम ऐड कर सकते हैं, तो 5 आपको बेस्ट चूज करना है जिनमें ज्यादा से ज्यादा रीच आपको मिले। तो यहाँ पे मैंने फिर से SEO टाइप किया, और यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए SEO ट्रेनिंग या कोई भी एक सिलेक्ट कर दिया करता हूँ। अभी यहाँ पे नेक्स्ट करना है कि आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है, और ये स्टोरी आपकी पब्लिश हो गई। तो यहाँ पे आपको मैसेज आएगा कि योर स्टोरी इज पब्लिश्ड। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं बाकी चीजों के आपको ट्रैफिक भी शो कर दिया करता हूँ। अगर हम क्वेरा की बात करें तो क्वेरा का मैं आपको ट्रैफिक शो कर दिया करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको ट्रैफिक भी दिखा दिया करता हूँ। क्वेरा में तकरीबन 588 मिलियन यहाँ पे विजिट्स होते हैं पर डे, या आप पर मंथ का समझ लीजिए, तो यहाँ पे इतने विजिट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मीडियम की, तो मीडियम पे भी आपको कितना ट्रैफिक मिलता है वो चीज भी मैं यहाँ पे शो कर दिया करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 107 मिलियन यहाँ पे विजिट्स होते हैं। अब जो थर्ड हम साइट की बात करने वाले हैं, थर्ड है मिक्स। यहाँ पे मिक्स के बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो मिक्स के अभी मैं आपको यहाँ पे शो कर दिया करता हूँ। मिक्स में होता है 2.84 मिलियन विजिट्स होते हैं पर डे के यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके लिए जो थर्ड साइट है उसमें कैसे काम करना है आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये तीन साइट्स में आप ये समझ लीजिए कि आप मिलियंस लोगों के सामने आप अपने कंटेंट को डाल रहे हैं। कंटेंट आपका अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास ट्रैफिक आएगा। तो अभी हम बात कर रहे थे मीडियम की, तो यहाँ पे जो भी आपने स्टोरी पोस्ट की है वो यहाँ पे स्टोरी आपकी शो होने लगेगी। आप चाहें तो उसमें और भी बैक लिंक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी ये वाला जो कंटेंट पोस्ट किया है, हम इसको चाहें तो आप इसको फिर से एडिट कर सकते हैं। जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें या फिर आप कोई बैक लिंक यहाँ पे ऐड करना चाहें, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद आपको इसको सेव कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सोशल मीडिया है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सी एक लिंक बना दिया करता हूँ। जैसे मेरा ये सोशल मीडिया की है लिंक, तो मैंने इसको कॉपी लिंक एड्रेस किया और मैं यहाँ पे जाया करता हूँ और मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, आपको लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देनी है और दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारी एक लिंक यहाँ पे जनरेट हो गई। अगर कोई ये आर्टिकल पढ़ेगा तो अगर वो ये सोशल मीडिया की लिंक देखेगा या फिर यहाँ पे, और आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लिंक आप डाल दें, जो अच्छे से अच्छा अभी मैं यहाँ पे आपको ज्यादा शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो उस चक्कर में बहुत लंबा हो जाया करता है। तो जो भी आपके लिए जैसे कि इट्स अ हाई रैंकिंग इन सर्च रिजल्ट्स, तो यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स या फिर सर्च रिजल्ट्स कैसे ज्यादा बढ़ाएं उससे रिलेटेड आपका कोई वीडियो है, तो आप यहाँ पे इतने इस पार्ट में आप यहाँ पे लिंक ऐड कर सकते हैं। तो आपको सिंपल सा ऐसी जगह करना है कि जिस पे लोग ज्यादा से ज्यादा क्लिक करें। तो लिंक पर कोई क्लिक करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो आपकी साइट पे ही आएगा। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड पब्लिश कर देना है और आपका यहाँ पे शो होने लगेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिंक ऐड की हुई थी, तो वो लिंक हमको यहाँ पे दिखाई दे रही, ये दिखाई दे रही आपको सोशल मीडिया में। यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो वो मेरे यहाँ पे इस कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि चूंकि मैंने इस कैटेगरी की यहाँ पे लिंक दी हुई है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के जो भी ब्लॉग्स मैंने यहाँ पे पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे आपको शो होने शुरू हो गए। तो इस टाइप से आपके में ट्रैफिक जनरेट होगा। अब जो थर्ड साइट है, थर्ड साइट में भी आपको सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपको जाना है, नया अकाउंट क्रिएट करना है। आपको कुछ इतना खास नहीं करना है, सिर्फ आपको एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे आपका इस टाइप से लेआउट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग में आप जाएंगे, जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको बैनर लगाना है, अगर आप कोई बैनर चाहते हैं तो आप यहाँ पे बैनर भी लगा सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं, साथ में आप यहाँ पे ईमेल भी दे सकते हैं अगर आपका कोई ईमेल है। साथ में आपको यहाँ पे वेबसाइट का नेम देना है कि कौन सी वेबसाइट है आपकी, और साथ में यहाँ पे आपको जेंडर भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे सारी चीजें सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है, तो ये आपकी प्रोफाइल यहाँ पे सेव हो जाती है। अब आप प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पे आपको करना कैसे है वो चीज भी मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे तकरीबन मैं कुछ दिनों में जब भी मैं कोई नया ब्लॉग पोस्ट करता हूँ वो ब्लॉग भी मैं यहाँ पे ऐड कर दिया करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ ब्लॉग भी किए हैं, कुछ यहाँ पे वीडियोस भी किए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियोस भी मेरे शो हो रहे हैं, साथ में जो मैंने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारा प्रोसेस करना कैसे है वो चीज भी मैं यहाँ पे दिखा दिया करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि आपको यहाँ पे प्लस साइन दिखाई दे रहा है ऊपर, जहां पे आपकी इमेज शो हो रही है उसके बाजू में आपको प्लस साइन शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको आपके एक ब्लॉग की यहाँ पे लिंक यहाँ पे ऐड करनी है। तो जैसे अभी मैं एक ये आर्टिकल ले लिया करता हूँ, मैंने इसको किया कॉपी लिंक एड्रेस, इसकी आपको लिंक आपको लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिंक ली इसकी। अब आप देख सकते हैं कि ये ई लर्निंग कैटेगरीज में है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे आप जब मिक्स में जाएंगे यहाँ पे सिंपल सा आपको यहाँ पे लिंक यहाँ पे पेस्ट करनी है। लिंक पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट पर क्लिक करना है। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद आपके लिए कुछ यहाँ पे कलेक्शंस मिलते हैं। कलेक्शंस होता है कि आप कुछ कैटेगरीज टाइप से बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कलेक्शन मैंने तकरीबन 9 कलेक्शन से यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। जैसे कि कलेक्शंस मैंने बनाया है ड्रॉप शिपिंग इन इंडिया, फिर ड्रॉप शिपिंग है, फिर यहाँ पे मेक मनी ऑनलाइन है, फिर यहाँ पे ब्लॉगर एंड ब्लॉगिंग टिप्स है, एडसेंस टिप्स है, ब्लॉगिंग टिप्स है, एफिलिएट मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स है, फिर यहाँ पे फ्रीलैंसिंग है, साथ में यहाँ पे कुछ और इन्होंने जर्नल्स करके दिए हुए हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको यहाँ पे जो भी अगर आपका इनमें से कोई है तो ठीक है, वरना जैसे अभी हमारा यहाँ पे ई लर्निंग से रिलेटेड था ब्लॉग, तो हम यहाँ पे ई लर्निंग टिप्स करके एक नया क्रिएट कर लेंगे। तो हमने ये यहाँ पे क्रिएट किया और आपको यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। और ये होने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके शो कर दिया करता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पोस्ट यहाँ पे 15 थी, कलेक्शन यहाँ पे 9 थे। अभी यहाँ पे पोस्ट हो जाएंगे 16 और कलेक्शन हो जाएंगे 10। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट हो गई है 16, जो भी हमारी पोस्ट थी वो यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे आ गई है। जब भी कोई इस पोस्ट पे क्लिक करेगा वो आएगा कहाँ पे, मेरी साइट पे। तो आप देख सकते हैं ये आ गया बंदा मेरी साइट पे। तो सेम चीज यहाँ पे, यही आपको एक फायदा मिलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा रीच कर सकते हैं अपने कंटेंट को, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचा के। तो मैं आपको इसका ट्रैफिक पहले भी दिखा चुका हूं कि तकरीबन 2.84 मिलियन से यहाँ पे ट्रैफिक आता है। तो आप यहाँ पे अच्छे से अच्छी रीच पा सकते हैं, सिर्फ आपका ब्लॉग अच्छा हो और यहाँ पे टाइटल अच्छा हो और इमेज अच्छी हो। ये दो तीन चीजें अगर आपकी अच्छी हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ नया अपडेट होता है। जो भी अपना वीडियो बना रहा है वो वीडियो डाल रहा है, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे पोस्ट करते हैं और लोग यहाँ पे आके या तो आपका वीडियो देखेंगे या आपकी कोई भी पोस्ट है, जैसे ये पोस्ट है ये इनकी है, अगर कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो इनकी साइट पे जाएगा और यहाँ पे वो उसको रीड कर सकता है। तो इन तीन साइट से मैं आपको बता रहा हूं कि आप तकरीबन 200, 300, 500% तक आप अपने ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं। सिर्फ आपको स्टार्टिंग में कुछ टाइम देना होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है
कि आपको कलेक्शंस क्रिएट करने हैं, कलेक्शन सिलेक्ट करने हैं। मान लीजिए कि ये मेरा ब्लॉग है, अगर मैं चाह रहा हूं कि इसकी मुझे कैटेगरी सिलेक्ट करना है, तो आपको यहां पे जो प्लस साइन दिखाई दे रहा है, आपको इसको प्लस पे क्लिक करना है। और मैं चाहता हूं कि इसके बाद में इसको ऑनलाइन शॉपिंग में भी ऐड कर दूं, तो मैं यहां पे ऐड कर दूंगा। चूंकि अभी मुझे यहां पे ऐड करना नहीं, इसलिए मैं हटा दिया करता हूं और मैं इसको डन कर दूंगा। तो यहां पे सेम चीज है, इसी टाइप से आपको सिर्फ पोस्ट कर देना है। अगर आपका वीडियो है, जैसे कि कोई भी मेरा एक वीडियो है, जैसे कि ये एक वीडियो है, ये भी मेरा e-learning से रिलेटेड है, तो मैंने इसकी कॉपी लिंक किया और मैं यहां गया, यहां पे मैंने इस पे क्लिक किया और यहां पे मैंने अपने वीडियो का URL पोस्ट किया एंड देन मैंने पोस्ट पे क्लिक किया। पोस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे e-learning टिप्स में यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे पोस्ट पर क्लिक कर दिया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट यहाँ पे 17 हो जाएगी और एक और नई यहाँ पे पोस्ट ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि जो मैंने नया यहाँ पे पोस्ट किया है वो चीज भी यहाँ पे आ गई है। साथ में अगर आपके कोई कलेक्शंस देखना चाहे तो यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे आपको कलेक्शंस भी दिखाई देंगे कि कौन कौन से कलेक्शंस है, कौन कौन से कलेक्शंस में क्या क्या चीज ऐड की हुई है, वो सारी चीजें यहाँ पे शो होंगी। तो जैसे कि अभी मैं चलता हूं ड्रॉप शिपिंग इन इंडिया, इस पे मैंने क्लिक किया और आप यहां पे देख सकते हैं कि इतने टाइप के मैंने यहां पे पोस्ट कर रखे हैं। तकरीबन 3 यहां पे मैंने ऐड कर रखे हैं, साथ में यहां पे मैंने डिस्क्रिप्शन वगैरह प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, हेडिंग दी हुई है, सारी चीज यहां पे मैंने प्रॉपर तरीके से किया है। तो ये आपको कैसे करना है, यहाँ पे आपको सिंपल सा कलेक्शन में जाके एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कोई भी एक इमेज सिलेक्ट करनी है जो कि आपको यहाँ पे देनी है, और साथ में आपको यहाँ पे अगर कोई कवर इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और आप इसको अगर प्राइवेट करना चाहें तो प्राइवेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको प्राइवेट नहीं करना है, क्योंकि ये कंटेंट जो है हम ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपकी कोई भी ऐसी चीज है जो आप प्राइवेट रखना चाहें तो वो आप यहाँ पे इस कलेक्शन को प्राइवेट भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें रिमूव करना तो यहाँ पे आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है और यहाँ पे आपका कलेक्शंस बनके तैयार हो जाता है और आप देख सकते हैं इसका एक लुक अच्छा आता है। इसी टाइप से आपको यहाँ पे करना है, डिफरेंट टाइप के कलेक्शंस आप बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप की पोस्ट, आपके जितने वीडियो हैं, जितने पोस्ट हैं, सारे यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। आपके में ऑब्वियसली बात है कि अच्छे से अच्छा ट्रैफिक जनरेट होगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है, और अगर हेल्पफुल रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस में अगर कोई बनाता हूं तो वो आपको सारे के सारे वीडियोस मिल सकें। थैंक यू दोस्तों।